वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद मैं इस चैनल पे ब्लॉग डाल रही हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ एंड दैट टू अ सोलो ट्रिप एंड दैट टू एन इंटरनेशनल सोलो ट्रिप एंड दिस इज़ एक्चुअली माई फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप एंड आई एम अ लिटिल स्केयर्ड एंड नर्वस एंड बहुत सारा एक्साइटेड टू सी बाली। बहुत टाइम से मेरे चेकलिस्ट में था बाली, सो लेट्स गो। फ्लाइट हो गई है डिले और सबके टिफिन खुल गए हैं एयरपोर्ट पे। टिफिन खुल गए, लेट हो गई है फ्लाइट। सो बाली के लिए एक्चुअली दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है कोई, सो आई एम टेकिंग अ कनेक्टिंग फ्लाइट। मेरी फ्लाइट है यहाँ से वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी, दिल्ली टू वियतनाम एंड देन वियतनाम टू बाली। और मेरी ये राउंड ट्रिप पड़ी है मुझे कुछ 41,000 के आसपास। आपको पता ही होगा कि बाली इंडोनेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आपको बाली जाने के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है एंड दैट वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न टू चूज़ बाली फॉर माय फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप। सो कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है नहीं, आपको नॉर्मल टिकट लेनी है, बोर्डिंग पास बनवाना है, बैगेज चेकिन, सिक्योरिटी चेकिन इज़ लाइक एनी अदर फ्लाइट एंड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। बस इमिग्रेशन काउंटर पर जाके आपको बता देना है कि आप इंडोनेशिया जा रहे हैं जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। एंड मेरी फ़्लाइट अभी रात को 12 बजे यहाँ से दिल्ली से चलेगी और सुबह 6 बजे वियतनाम पहुँचेगी और वहाँ से फिर शायद 8 बजे है वियतनाम से एंड देन आई रीच बाली एट 1। व्हाई इज बाली सो खाली? मैं बाली आ गई हूँ अकेले एंड इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग एंड इट वाज इजी एक्चुअली। कुछ करना नहीं था, यहाँ लैंड होके आपको बस एक ऐप डाउनलोड करनी होती है, सम पेड्यूलिंग और समथिंग, मैं नीचे नाम डाल दूँगी एंड देन देर इज़ वन काउंटर जहाँ जाकर आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। उसके बाद देर इज़ अन अदर काउंटर जहाँ पर जाकर आपको वीज़ा की पेमेंट करनी पड़ती है विच इज़ 35 USD। और ये लोग सिर्फ मतलब इंडियन रुपीज़ नहीं लेते हैं ये लोग, तो आपको कार्ड कैरी करना पड़ेगा या फिर ये जो करेंसीज यहाँ मेंशन की हैं उनमें से कोई करेंसी कैरी करनी पड़ेगी एंड आप वहाँ पर पेमेंट करो एंड देन यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू ऑफ इमिग्रेशन। वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब 10-15 मिनट लगे लाइन में लगने में एंड इट वॉज ईजी। बस वो फिंगरप्रिंट्स लिए, दे विल आस्क यू ऑफ योर क्वेश्चन कि कितने दिन के लिए आए हो, किसके साथ आए हो, किस लिए आए हो एंड दैट्स इट एंड यू विल गेट दिस टप्पा ऑन योर पासपोर्ट। सो अपेरेंटली हमारा लगेज नहीं आया है, हमारा एज इन दिल्ली से जो फ़्लाइट आई है कनेक्टिंग फ़्लाइट उसका पूरा पूरी फ़्लाइट का लगेज नहीं आया है एंड बहुत देर तक वेट करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि वो पूरी पूरा लगेज आया ही नहीं है, नेक्स्ट फ्लाइट में आएगा। सो हमें वापस हमें ये फॉर्म भरवाया गया है बैगेज सर्विसेज पे और 6 बजे वापस हमें आना पड़ेगा यहाँ पर अपना लगेज लेने के लिए। फाइनली मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल में, मैं बाहर आ गई हूँ एयरपोर्ट से, टैक्सी ले ली है मैंने, बैगेज नहीं मिला है जैसा कि मैंने आपको बोला, उसके लिए मुझे शाम को 6 बजे दोबारा आना पड़ेगा। सो काफ़ी सारे सियापों के बाद मैं आई हूँ बाहर, लाइक नॉट रियली सियापे, इट वॉज़ नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज़ वेरी ईजी बट इट वॉज़ टाइम टेकिंग। लाइन्स में लगना पड़ रहा था हर जगह, कुछ ECD फॉर्म था, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म, उसके लिए लाइन में लगना था, इमिग्रेशन के लिए लाइन में लगना था एंड हमारा बैगेज गुम हो गया तो उसकी रिपोर्ट के लिए भी लाइन में लगना था। सो इट वॉज़ नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज़ टाइम टेकिंग बेसिकली एंड इट वॉज़ अ लॉन्ग लॉन्ग फ्लाइट, सो आई एम रियली टायर्ड नाउ। पहले मैंने सोचा था कि मैं आज हॉस्टल जाते ही शाम को शायद बीच चली जाऊँगी बट अब पता नहीं, आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई विल टेक सम रेस्ट फर्स्ट। ओ भाई यहाँ पे तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं अपने ड्राइवर से पिछले 10 मिनट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है एंड उसे समझ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर मनी एक्सचेंज कराने आई हूँ हॉस्टल जाने से पहले, मैं हॉस्टल के पास में है ये जगह एंड 2-3 शॉप्स हमने देखे वो बंद थी, ये खुली थी तो मैं यहाँ आ गई हूँ बिकॉज मुझे टैक्सी वाले को पे करना है। 2000 इंडियन रुपीज़ देके मुझे मिले हैं
240,000 इंडोनेशियन रुपीज. थैंक यू. लगे हाथ सिम कार्ड भी खरीद ले रही हूँ मैं, और मुझे ये 16 GB का सिम कार्ड मिल रहा है 300,000 इंडोनेशियन रुपीज, अराउंड 1,500 रुपया इन इंडियन करेंसी. आई डोंट नो इट्स एक्सपेंसिव और चीप, बिकॉज मैंने जितना यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था कुछ 700-800 का मिलता है, और मैं टेलकम सेल का ही ले रही हूँ. बट मैंने 3 जगह पूछ लिया और मुझे यही रेट मिल रहा है, एंड आई रियली वांट द इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, सो मैंने सोचा ले लेती हूँ. So here is where I'm staying. मैंने सिर्फ एक यही स्टे बुक किया है फिलहाल, एंड दिस इज़ लोकल वाली हॉस्टल, वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट. सिर्फ 3 से 5 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन उसके भी मेरे 600 रुपये लग गए. आई डोंट नो व्हाई. सो यार, लेट मी शो यू द हॉस्टल. सो दिस इज द पूल एरिया. नाइस. This is the garden, small, cute little garden. Okay, the one at only, yeah. And this is the tubby area with the TV. That's the kitchen, and that's the way to our dorms. So yeah. फाइनली मैं वापस आ गई हूँ अपना लगेज लेके, और आज का दिन पूरा खत्म हो गया है. ऐसे ही आज कुछ नहीं हो पाया. मैं सोच के आई थी कि मैं 3-4 बजे तक फ्री हो जाऊँगी और इवनिंग में कहीं आसपास के बीच पर चली जाऊँगी या किसी कैफे में, बट नहीं हो पाया बिकॉज इट वॉज़ क्वाइट एन इवेंटफुल डे. इतना बुरा भी नहीं था, दिन वॉज़ फाइन, मतलब हो गया सब कुछ. थोड़ी सी दिक्कतें हुई बट हो गया. द फ्लाइट वॉज वेरी बैड एक्चुअली, एंड यू नो वॉट, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा, कहीं गूगल में रिव्यू में मैंने नहीं देखा, मुझे किसी ने नहीं बताया. तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप VFJet से फ्लाई कर रहे हो, अगर आप VFJet से बाली, बैंकॉक, सिंगापुर कहीं भी जा रहे हो, तो पानी की बॉटल्स और बहुत सारा ईटेबल्स अपने साथ लेके चलना, बिकॉज VFJet की फ्लाइट में कुछ नहीं मिलता है. पानी की बॉटल्स तक फ्री नहीं मिलती हैं, और फ्री नहीं मिलती कोई बात नहीं, पैसों में दे दो, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट इंडियन करेंसी. वो लोग सिर्फ वियतनामीज करेंसी या फिर US dollars एक्सेप्ट करते हैं, विच इज रिडिक्युलस. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए. तो पूरे रास्ते फ्लाइट में मैं बिल्कुल कुछ खा नहीं पाई. खाने का सामान तो अपने साथ में ले गई थी, पानी की बॉटल में नहीं ले गई थी, बिकॉज मुझे लगा पानी तो मिल ही जाएगा फ्लाइट में. तो दैट वॉज अ बिग मिस्टेक, ह्यूज मिस्टेक. मैं पूरे रास्ते पानी नहीं पी पाई. एंड में जाके मुझे एक पंजाबी कपल मिला, जिन्होंने मुझे कुछ US dollars उधार दिए, तब जाके मैं पानी की बॉटल खरीद पाई. सो दैट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. सो आई एम टेलिंग यू दिस, अगर VFJet से आ रहे हो तो मेक श्योर यू आर कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल एंड ईटेबल्स. सो अब फाइनली जब मुझे मेरा लगेज मिल गया, तो मैं नहा सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, एंड मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है. गोजैक ऐप है यहाँ पर, जो एक टैक्सी सर्विस ऐप है, उसी में गोजैक फूड करके भी, गो फूड करके कुछ हैं, तो वहाँ से मैंने पास्ता ऑर्डर किया है अपने लिए. एंड जब तक मेरा खाना आता है, तब तक मैं एक क्विक शावर लेके आती हूँ, एंड आई विल बी फ्रेश. सो यहाँ खाना वाना हो गया. बहुत ही बुरा खाना था, बहुत ही गंदी सी, ब्लैंड सी, एकदम स्पेगेटी थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे, बट खा लिया मैंने बिकॉज ऑर्डर किया था. सो आई थिंक नाउ आई विल कॉल इट अ डे. बहुत थक गई हूँ मैं, एंड कल सुबह 5:30 बजे मुझे निकलना है, तो आई थिंक आई विल स्लीप. सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई एम एंडिंग दिस डे 1 इन बाली हेयर, एंड होपिंग कि कल का दिन कुछ बेटर होगा. सो या कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ इन बाली.